Assalamualaikum all my YouTube family members, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज का जो वीडियो ट्यूटोरियल है हमारे पास, ये मॉडल लुक मेकअप है। और अगर ये मॉडल लुक मेकअप आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आखिर तक ज़रूर देखना। यहाँ पे मैं एक सॉन्ग सिंग कर रही हूँ जो मैं कॉपीराइट के इशू की वजह से इसको म्यूट कर रही हूँ। तो चलो ये मेकअप स्टार्ट करते हैं अगर करना चाहते हो तो सबसे पहले जो मैंने प्राइमर लगाना है, जैसा कि मैंने हर वीडियो में आप लोगों को बताया, लेकिन फेस को क्लीन करके, फेस को वॉश करके, अपने फेस से सारा ऑयल को जो है ख़त्म करके, ठीक है। तो उसके बाद आपने प्राइमर अप्लाई करना होता है। सेकंड आपका जो है प्राइमर को ब्रेक देना है 5 मिनट का। उसके बाद आपने फाउंडेशन लगाना है। यहाँ पे मैंने 2 फाउंडेशन आपको दिखाया, एक मिस रोज का बेज 4 और ड्रमाकॉल का 212। ये दोनों फाउंडेशन को मैं थोड़ा थोड़ा जो है अपने जो है यहाँ पे हाथ पे ले रही हूँ और इन दोनों को मिक्स करूँगी। और इसको मिक्स करने का मकसद ये है कि ये ऑक्सीडाइज होता है, इसको ऑक्सीडाइज होना है। तो इन दोनों को जब मैं मिक्स कर दूँगी तो ऑक्सीडेशन जो है उसकी जितनी होनी होगी वो हो जाएगी। और अब जब फेस पे अप्लाई होगा तो बहुत कम ही इसका जो है माइनर ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। फिर भी मैं इसके ऊपर एक और कोट अप्लाई करूँगी, वो है मिस रोज का बेज 4 फाउंडेशन, सेम यही वाला फाउंडेशन। लेकिन पहले इन दोनों को मिक्स करके मुझे अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई करना, ताकि इसकी कवरेज जो है, क्योंकि वो मीडियम है और मुझे थोड़ी सी हैवी कवरेज चाहिए। और ये जो बेस है, इस बेस में जो इसका जो अंडरटोन है ना, वो वर्म अंडरटोन है, ठीक है। तो वर्म अंडरटोन मैंने अप्लाई करना है ताकि, क्योंकि आगे जो इसका मतलब रिजल्ट होगा वो कुछ ग्लैम सा लुक होगा और ब्राउजिंग सा मेकअप लगना चाहिए, मुझे कुछ इस तरीके का चाहिए। तो इस तरह से आपको जो अगर फेयर टोन में लेके जाओगे तो यकीनन वो जो आप चाह रहे हो वो नहीं मिलेगा। थोड़ा सा वर्म टोन को जो है ना अप्लाई करना अपने स्किन पर, ठीक है। अगर फेयर टोन स्किन है तो थोड़ा सा ब्राउजिंग कर लेना, सही। तो उसके अलावा जो है, अब मैं यहाँ पे फाउंडेशन ले रही हूँ, यही सेम पेज 4 लिया है मिस रोज का। इसको थोड़ा सा हाई डेफिनेशन करने के लिए, थोड़ी सी हाई कवरेज करने के लिए। और आप यहाँ देख सकते हो जो इसका ग्लो है जो मेरे फेस पे आ रहा है वो कितना कमाल का आ रहा है। जो फर्स्ट फाउंडेशन लगी थी उसने जो है पूरे फेस को कवर कर दिया, और सेकेंड फाउंडेशन थोड़ी सी ही लगानी पड़ी। अच्छा, गर्मियों के लिहाज से अगर आप लोगों ने लेना है तो ईजी बेस ले लें, ये शेफर का बहुत अच्छा होता है। लेकिन मेरे पास अभी जो शेड है वो 22 है, ये बहुत ही फेयर टोन है। तो मैं इसके जो है अपने सिर्फ हाईलाइट पॉइंट्स पे इसको अप्लाई करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ये एरिया जो है ना हाईलाइट करना है और बाकी करना ब्राउजिंग करनी है। इसी तरीके से क्रीम कंट्रोलिंग पैलेट में से एक, मतलब मैक का कंट्रोलिंग पैलेट था, और क्रीम कंट्रोलिंग शेड मैं ले रही हूँ। इसको मैं अपने फेस पे कंट्रोल कर रही हूँ, ठीक है। फेस पे जहाँ जहाँ मुझे जिस फीचर्स को दबाना है मैं उन्हें दबाऊँगी, और जिन्हें हाईलाइट्स करना है वो हाईलाइट्स होंगे। ये आज मैं नेक को भी जो है शेप दूँगी, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारी हड्डी होती है, मतलब आज याद नहीं आ रहा क्या कहते हैं, तो खैर उसको भी मैं जो है कंट्रोल करूँगी। से अगर आपको कंट्रोलिंग से रिलेटेड वीडियो पूछनी है, अगर आपने सीखना है, तो मुझे कमेंट करके जो है आप बताएं, तो मैं आपको जो है इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो जो जल्दी बना दूँगी। उसके अलावा जो है मैं अच्छे से तमाम जो मैंने कंट्रोलिंग और हाईलाइट्स किए हैं अपने एरिया पर जो, उनको मैं ब्लेंड आउट करूँगी, और कुछ इस तरीके से ना मेरा शेड लगे। अभी डरना नहीं है क्योंकि अभी मेकअप बाकी है, ठीक है। खौफनाक लगता है शुरू में, लेकिन एंड जो है कमाल होता है। इसके बाद जो है मैंने ये कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है, और उसके जरिए मैं जहां जहां मैंने हाइलाइट्स मेरे पॉइंट्स थे कंट्रोलिंग वाली जगह को छोड़ते हुए, मैंने तमाम शेड्स जो है मतलब उस जगह पे मैंने कंट्रोल मतलब कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई करना है। उसके अलावा मैंने जेल आईलाइनर, जेल वाला जो है ब्रो बोन पे लगाना है, ब्राउन जेल आईब्रो कहते हैं ना उसको, वो अप्लाई करना है। और इस कट वाले ब्रश के जरिए आज मैं अप्लाई करूँगी। आज मैं इसको ना कंसील के जरिए कट नहीं करने वाली आईब्रो को, और उसके बाद जो है इसको ब्लेंडिंग करूँगी एक स्पूली की मदद से। हमेशा अगर अप्लाई करें तो स्पूली के जरिए ना उसको ब्लेंड आउट ज़रूर किया करें, इससे अच्छा रिजल्ट आता है। और ये वाला जो शेड है, ये मैं जो अपने पूरे आईलिड पर अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग नहीं हो सका था। उसके बाद ये जो है हाईलाइट करना है। हाईलाइटर एरिया जो है हमारा इनर कॉर्नर पर होगा, और इसको हाईलाइट करेंगे। मज़े की बात ये है कि अगर आप लोग ये वाला आई मेकअप करते हैं, जिसके आईज छोटी है, हुडेड आईज है, उनके लिए आई लुक बहुत अच्छा है। क्योंकि बेसिकली ये जो आई मेकअप लुक किया मॉडल, तो मॉडल साथ ही साथ जो है ये हुडेड आईज वालों के लिए कमाल का है, और अरबिक लुक भी इस तरह के आईज मेकअप बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। तो इनर कॉर्नर हाईलाइट होना चाहिए, क्योंकि इनके पास इतना स्पेस नहीं होता हुडेड आईज वालों के पास, उनको इनर कॉर्नर को हाईलाइट करना चाहिए। और आउटर कॉर्नर से ना थोड़ा सा विंग निकाल कर उनको ना अप्लाई करना चाहिए आई मेकअप। तो कुछ इस तरीके से मैंने पहले डाउन पर जो है एक काजल अप्लाई किया है, वो एपीके का था, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो काजल है वो फैलता नहीं है, और उसके अलावा जो भी काजल आप लें कि वो जो है स्मच प्रूफ हो, यानी कि फैलता ना हो, और अच्छे से जो है आपकी आईज़ के नीचे अप्लाई हो जाए, ठीक है। इसके बाद मैंने एक ब्रश के ज़रिए उसको जो है ब्लेंडिंग आउट करती गई हूँ। ये काशिश के पैलेट में से ब्लैक वाला शेड लेके उसको मैं ब्लेंडिंग करती जा रही थी, ठीक है।
अब मैंने ये एक्वा का लाइनर लिया है, ये ग्लैमर फेस का आईलाइनर है और इसको मैं देखिए स्लोली स्लोली करके अप्लाई कर रही हूँ और थोड़ा सा विंग बनाऊंगी। ठीक है, आपको मैंने यहाँ पे दिखाने की बहुत से करीब से कोशिश की कि मेरा आई मेकअप जितना मैंने कहा नज़दीक से दिखाऊंगी उतना ही आपको ईजिली समझ में आएगा। इसके बाद एक फ्लैट ब्रश के ज़रिए थोड़ा सा जो है मैं इसको ब्लेंड आउट करती जा रही हूँ और बहुत ही लाइट सा जो है मैंने ब्लैक आई शेडो जो है इसके ब्रश में लिया हुआ है। ठीक है, और क्योंकि साथ में ये एक्वा भी है तो ये अच्छे से ब्लेंड आउट हो जाएगा, लेकिन ये है कि आपको इसका शेडो के साथ अप्लाई करेंगे तो लॉन्ग लास्टिंग जो है इसका रिजल्ट रहेगा। ठीक है, और ये वाटर के साथ अप्लाई होता है लाइनर। ठीक, तो देखिए हल्के हल्के हाथों से मैं इसको लेती गई। अब मैंने ब्रश चेंज किया, थोड़ा सा प्लफी सा एक ब्रश लिया है और उसकी जो हार्श लाइन है ना, इस हार्श लाइन को मैं ब्लेंड आउट कर रही हूँ। सही है, इस तरीके से कुछ होता जाएगा। आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा टाइम लगेगा, बट इस आई लुक के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा अगर आपने अच्छा सा आई मेकअप ये वाला करना है तो। और ये वाला आई मेकअप लुक बहुत कमाल का लगता है, एक तो ग्लैमर आप लगते हो, गॉर्जियस लगते हो, बहुत ऑसम लगते हो, और साथ में जो नीचे भी मैंने लगाया हुआ था इन दोनों को जो है मैंने मिक्स कर दिया था। अब ये इनर कॉर्नर पे थोड़ा सा जो है ना मुझे अपनी नोक निकालनी है और नीचे अंदर की तरफ जो मैं लाइनर अप्लाई कर रही हूँ ना वो जेल वाला लाइनर है। ठीक है, आपने अंदर की तरफ जेल वाला लाइनर अप्लाई किया करें क्योंकि आंसुओं के ज़रिए ना अगर वाटर वाला अप्लाई किया तो वो बह जाएगा और थोड़ा बहुत अगर लग गया तो वो भी फैल जाएगा। जेल आई लाइनर जो है तो लॉन्ग लास्टिंग रहता है, वाटर प्रूफ रहता है, इस वजह से आपको बहुत तो मतलब अच्छा रिजल्ट देगा। ये मैंने थोड़ा सा जो है कॉर्नर बनाए हैं आईज़ के पास से ताकि आईज़ थोड़ी सी बड़ी और कैट आई लुक लगे इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने यही जेल लाइनर जो है अपने आई लीड के अंदर यानी कि वाटर लाइन के अंदर भी अप्लाई करना है और थोड़ा सा जो है नीचे की तरफ मैं इसको लेती हुई आऊँगी और क्योंकि मुझे इसको आगे चल के ना इसको ब्लाइंड करना है। ठीक है, इसी तरीके से आप गौर से देखें एक एक स्टेप को, मैंने आप लोग के लिए एक एक स्टेप को ना बहुत अच्छे से कोशिश की है कि उसको मैं समझा सकूं और आप लोग को बता सकूं। इसके बाद ये वाला जो मतलब वही ब्रश है फ्लैट सा और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके जो है मैंने इसको ब्लेंड किया है हल्का सा, मैंने बहुत ही माइनर सा जो है ब्लैक आई शेडो लेती हूं और उसके बाद जो है इसको जो है ब्लेंड करना शुरू करती हूं। और जो ब्लैक आई शेडो है वो मैं काशिश का यूज़ कर रही हूं इस पैलेट में से, और उसमें से देखिए ये वाला ब्राउन वाला शेड लिया, उसके बाद मैंने इसको अपने लाइंस के नीचे इसको जो है अच्छे से दोबारा से ब्लेंड किया। ब्लैक के ऊपर नहीं है, ब्लैक के नीचे है। ठीक है, ब्लैक के ऊपर नहीं इसको, क्योंकि एक हमें आईज को भी डेप देनी होती है तो मैं यहाँ पे डेप दे रही हूँ और ऊपर जो मैंने लाइनर लगाया था वहाँ पे भी हल्की सी डेप दी है। उसके बाद ये प्लफी सा ब्रश लेके जो लाइंस आ रही हैं उन्हें एक मर्ज कर रही हूँ ताकि जो एक अलग से दिखने वाला शेड हो वो ना दिखे, और जो भी मेरा शेड इस पर गिर गया था आईज पर वो जो है मैंने एक फैन ब्रश के जरिए उसको नीट कर लिया है। अब यहाँ पे मैं एक लूज पाउडर ले रही हूँ चार्लीज का, ये मेरे लूज पाउडर है, इसको मैंने आई के नीचे अप्लाई किया और उसको जो है अच्छे से बेक कर दिया। उसके बाद जो है यहाँ पर एक थोड़ा सा ग्लिटर लेना है मुझे, जो मिस रोज़ की पैलेट थी इसकी, जो ग्लिटर से आप सबको पता ही होगा कि इतने ऑसम ग्लिटर से इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इस ग्लिटर से, मतलब एक तो फॉल आउट नहीं होता और उसमें ग्लू की ज़रूरत नहीं पड़ती, और थोड़ा थोड़ा करके मैंने यहाँ पे ग्लिटर्स अप्लाई किए हैं और यहाँ आप देख सकते हो रिजल्ट कितना अच्छा। अगर मेरा कैमरा और अच्छा होता यकीनन बहुत अच्छा आपको ये लुक नज़र आ रहा होता। हाइलाइटर भी मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे ब्रो बोन पे। अच्छा, ये जो हाइलाइटर ये जो शेड अप्लाई किया ना वो जस्ट ब्यूटीफाई बाय आमना के जो शेड्स थे ना, देखिए नाइट क्वीन, उसमें से ये सारे अप्लाई किए। हाइलाइटर भी उसी में से अप्लाई कर रही हूँ और हाइलाइटर देखो यार कितना कमाल का है ना, ऐसा लगता है लाइटें लग गई हैं वाकई में। थोड़ा सा मैंने नोज पे, थोड़ा सा जो है मैंने लिप्स पे, थोड़ा सा चीक पे बत्तियाँ लगा दी हैं अपनी, और अब थोड़ी सी जो है लिप्स को मैं क्रिएट करूँगी अपनी लिप्स से एक मतलब थोड़ा सा जो है ऊपर की तरफ लिप्स को अपना जो है शेप दूंगी अपनी जो डायरेक्ट जो मेरी शेप है उससे थोड़ी सी अप करके। अगर आपके लिप्स छोटे हैं तो आप थोड़ा ऊपर करके लगाते हैं ना तो आपके लिप्स बहुत बड़े मतलब अच्छे लगते हैं, बड़े लगते हैं। मेरे तो ऑलरेडी सही हैं लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा ग्लैम लुक देने के लिए जो है लिप्स के ऊपर अप्लाई किया। और सफूरा की लिपस्टिक्स थी, एक दो शेड्स मैंने लगाए हैं, एक शेड उससे मतलब लाइटर लगाया है। फिर उसके बाद आप मेरा फाइनल लुक देख लें, ग्लॉस वगैरह मैं लगा चुकी हूँ, तो लैशेस वगैरह भी मैंने ऑफ कैमरा लगा लिया था। अब यहाँ मेरा फाइनल लुक आपके सामने है। आई होप ये लुक आप लोगों को देख के अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्यारा से कमेंट कर दीजिए, साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाऊँ ये भी बता दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।